वेलकम टू डिस्कवर टैलेंट फ्रेंड्स। डिस्कवर टैलेंट्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप नए हो इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाउ टू यूज ए मेल मर्ज ऑप्शन इन एमएस डॉक। ओके, सो डॉक्यूमेंट्स में अपन कैसे करेंगे एमएस वर्ड में, राइट? आपका कसर नॉर्मल यही होता है, राइट? होम टैब में जो ऑप्शन मैं यूज़ करने वाला हूँ वो रहेगा मेलिंग्स में, ठीक है? सो उसके लिए कुछ आपको ईमेल आईडीज लगेंगे, राइट? रेपिटेटिव नेम्स लगेंगे। सो ये मेल मर्ज बेसिकली अपन यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं, राइट? अगर आपको किसी स्पेसिफिकली यू नो बहुत सारे आपके पास ईमेल आईडीज है, राइट? आपको उन लोग को स्पेसिफाई ऑनर्ड करना है उन लोग के नेम से, राइट? टू बी डियर सो एंड सो, ठीक है? सो एक हर टाइम आप टाइप नहीं करते बैठोगे, राइट? वो ज़माना चला गया अभी, राइट? अपन ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, राइट? विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज। सेम मैसेज रिप्लिकेट होगा मल्टीपल ईमेल आईडीज को, ठीक है? सो कैसे करेंगे उसको मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? सो आओ फिर ये एमएस वर्ड है, ठीक है? यहाँ पे ये हर एक एमएस वर्ड में चलेगा, राइट? ये ऑप्शन है मेलिंग्स का। मेलिंग्स में आया मैं, सो ये मैंने कुछ टाइप करके रखा था, राइट? सो मुझे कुछ लिस्ट चाहिए, तो स्टार्ट में ये आपको कुछ ऑप्शंस ऑफ रहेंगे, ठीक है? आपको क्लिक करना है यहाँ पे ईमेल्स पे, राइट? ईमेल्स पे क्लिक किया, ये मैंने कुछ कंटेंट टाइप किया है। आप चाहिए तो कुछ चेंज कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ना सैम्पल डेमो पर्पज़ मैंने रखा है, ठीक है? कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है? टोटल योर डेटा। यहाँ पे एडिट रिसिप्ट लिस्ट, मैंने ये लिस्ट उठाई है, ये कुछ रॉ डंप है मेरे पास, ठीक है? मैंने ये कहाँ से लिया है, तो मेरा ये एक्सेल का फाइल है, मैं कुछ ओपन करके दिखाऊँ आपको, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास नेम है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है। एड्रेस की मुझसे मुझे रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ये खाली वो फील्ड ऐड करने के लिए डाला है एड्रेस, राइट? आप यहाँ पे फ़ोन नंबर भी कर सकते हो आपके एंड से, जो डेटा जो हो आपके पास, ठीक है? जो आपको पर्टिकुलर मेल बॉक्स में आपको भेजना है, करेक्ट? सो ये हुआ, ये मैंने फाइल क्लोज कर दी, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ मुझे ऐसे दिखेगा, ठीक है? ये मेरा डॉक का फाइल, राइट? डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे मैं आया ईमेल मैसेज पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया सिलेक्ट डेटा में, राइट? यहाँ से मुझे आप यहाँ पे एडिट ऑप्शन क्यों दिया मेरे को, जो मैंने फाइल पहले सिलेक्ट की थी, राइट? उसको मुझे चेंजेस करने के लिए पूछ रहा है, तो मुझे चेंजेस नहीं करना है, मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। सिलेक्ट रेसिपेंट, यहाँ पे मेरे पास जो लिस्ट है जो मैंने आपको दिखाई अभी, राइट? डॉक्यूमेंट्स की मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है? मैंने फाइल कहाँ पे सेव कर रही है, यहाँ पे कुछ सेव कर रखी है डमी डेटा, ठीक है? ये शीट है, और मेरे शीट्स को टेबल जो है मेरा उसके अंदर उसको हेडर्स भी है, राइट? सो मैंने ओके किया, हेडर ओके, ठीक है? अनेबल बता रहा है कुछ, मैं वापस सिलेक्ट करता हूँ, ऑप्शन ऑफ हो गया। डमी डेटा ओपन देन ओके, ठीक है? ये सब ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है? एक्टिवेट होने के बाद मुझे यहाँ पे आप एनवलप ऑप्शन भी है, लेबल्स ऑप्शन भी है, लेकिन मैं आज आपको फिलहाल एक ही मॉड्यूल सिखाऊंगा, विच इज ईमेलिंग मॉड्यूल, ठीक है? तो यहाँ पे अभी ये एडिट में जाऊंगा मैं, ये एडिट जितना डेटा है मुझे जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, खाली मतलब स्पेसिफिक अगर मुझे किसी ईमेल आईडी पे भेजना है स्पेसिफिक सिंगल, तो मैं ये सिलेक्शन हटा के कर दूंगा, लेकिन मुझे सबको भेजना है एट अ टाइम, इसी का यूज़ है, राइट? मेल मर्ज इसलिए अपन यूज़ कर रहे हैं, तो मैं सबको सिलेक्ट करूँगा, ओके। यहाँ पे कुछ आपको ग्रीटिंग्स मिलेंगी, ठीक है? ग्रीटिंग लाइन्स, यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ डियर सर और मैडम, ठीक है? स्टार्टिंग के लिए एंटर मैं देता हूँ, यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक डालना है मुझे, तो एड्रेस ब्लॉक में नीचे डालूंगा, यहाँ पे नहीं डालूंगा, एज पर योर रिक्वायरमेंट दोस्तों। मतलब जैसे आप मेल करोगे, राइट? मेल में आपको कैसा चाहिए वो रिजल्ट दिखना चाहिए, वो हिसाब से आप काम करोगे उसके ऊपर, राइट? तो हाईलाइट मर्ज फील्ड, तो मैं हाईलाइट करके रख रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने कहाँ पे क्या क्या ऐड कर रखा है, राइट? इंसर्ट फील्ड, यहाँ पे नेम आना चाहिए, राइट? बाद में यहाँ पे एज पर योर सो एंड सो, यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं एड्रेस उसका जो कोई रहेगा, राइट? पर्टिकुलर बंदा उसका एड्रेस दिखेगा वहाँ पे, राइट? यहाँ पे बाद में मैं डालूँगा रिगार्ड्स जो है वो डिस्कवर
रेस्टोरेंट एंड समथिंग समथिंग जो कुछ है आप आपके एंड से, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद कुछ मुझे कुछ और ऐड करना है, मैं वो सोच रहा हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग लाइन कुछ दिखे, टैग लाइन थोड़ी सी कैची लगे, तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ टू होम सेवर इट मे कंसर्न, ठीक है। ये मुझे कुछ लेटर डालना है, ठीक है। अब मुझे प्रीव्यू करना है वो रिजल्ट, ताकि मैं देख सकूँ, ठीक है, बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है। प्रीव्यू तो यहाँ पे कुछ दिखेगा, डियर सर और मैडम सुशी जो कुछ है नाम। अब ये जो डेटा है चेंज होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। सेम डेटा रहेगा लेकिन नाम चेंज हो गए, ईमेल आईडी चेंज होगा, करेक्ट। अब वो कैसे होगा यहाँ पे जाके मैं देखूंगा, ठीक है। ये आप टेस्टिंग पर्पस कर सकते हो, सिंपल। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ नेक्स्ट, गो एरर। एंड में ये सब चेंजेस होने के बाद में अगर आपको लग रहा है कि आपका डेटा परफेक्ट है तो आप फिनिश करके मेल शूट कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आपको एंड में मेरे हिसाब से डेटा ठीक है, आपको जितना दिखाना था डेमो के लिए और जितना रिक्वायरमेंट है मेरे हिसाब से कर दिया है मैंने, ठीक है। पहला डाटा दे रहा हूँ मैं, ये कुछ अगेन ऐसा दिखेगा। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं जूम कर दूँ, एक्सट्रीमली सॉरी अगर नहीं दिख रहा हो तो, मुझे अभी याद आया क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। तो अगर नहीं देख पाए तो मैं जूम करके वापस एक बार आपको समझा दूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट मेल ईमेल मैसेज पे क्लिक किया, राइट। देन यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया लिस्ट, जहाँ पे मेरा डमी लिस्ट है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ से मैंने सिलेक्ट करने के बाद जस्ट एक ग्रीटिंग्स लाइन ऐड कर दी, राइट। एंड देन मैंने प्रीव्यू चेक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। देन फिनिश एंड मर्ज। अब यहाँ पे पूछेगा आपको, फर्स्ट है मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग उतना नहीं दिख रहा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब तीन ऑप्शंस क्या दिख रहा है, राइट। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, सेकंड है प्रिंट डॉक्यूमेंट्स एंड थर्ड वन इज सेंड ईमेल मैसेजेस, ठीक है। तो मुझे अगर इंडिविजुअली भेजना है डॉक्यूमेंट्स को तो मैं एडिट इंडिविजुअल करके कर दूँ, ठीक है। अगर प्रिंट निकालना है मुझे इस चीज़ का इंडिविजुअल कॉपीज का तो मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ इसके अंदर, राइट। मेरे पास प्रिंटर नहीं है अभी फिलहाल और मुझे प्रिंट लेके मतलब भी नहीं है, राइट, क्योंकि डमी है इंडिविजुअल, ठीक है। सेंड ईमेल मैसेजेस, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा टू, अभी टू पे मुझे पूछ रहा है तो टू तो मैं नाम पे नहीं भेज पाऊंगा, राइट, क्योंकि ईमेल अपना चलता है ईमेल आईडी के बेस पे, राइट। सो दैट इज माय ईमेल आईडी। यहाँ पे मैं कुछ सब्जेक्ट लिखूंगा, COVID-19 अटेंशन कुछ डाल दूंगा, ठीक है। ये कुछ मेरा HTML फॉर्मेट मुझे चाहिए, तो सब भेजने हैं आपको तो ये पूछेगा कुछ ऑल एंड देन ओके करो, आपको आउटलुक में लेके जाएगा वो एंड देन योर ईमेल हैज बीन सेंट, ठीक है दोस्तों। सो होप यू लाइक दिस वीडियो दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आगे नेक्स्ट मेरा ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूँ लेटर्स एनवेलप लेबल्स एंड डायरेक्टरी के ऊपर, ठीक है। सो होप यू विल जॉइन दैट पर्टिकुलर वीडियो एज वेल, ओके, थैंक यू दोस्तों।